हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ फातिमा और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो कि आपको पता चल चुका होगा थंबनेल से एंड टाइटल से कि मैं एक तेरे बिन का मेकअप का इंस्पायर्ड मेकअप लुक करने वाली हूँ। तो ये लुक काफ़ी सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आप किसी भी ओकेजन पर किसी भी फंक्शन में आप इस लुक को खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लुक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइट ब्राउन से स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसको मैं एज अ क्रीज लाइन में इसको एज अ ट्रांजिशन शेड इसको अप्लाई कर रही हूँ। और आपको आप देख सकते हो कि मैं इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते जा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट कलर आपको लेना है, जितना आप लाइट कलर लेंगे उतना अच्छा लुक आता है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो क्रीज लाइन में इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद ये मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा सिल्वर शेड लिया है, रोज़ गोल्ड वाला शेड था ये, तो इसको मैं अपने फिंगर की मदद से पहले अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद मैंने ब्रश की मदद से उसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है, थोड़ा सा शेप में अप्लाई किया मैंने इस तरीके से। बस यहीं पर ही अब हमारा ये लुक कम्प्लीट होता है। उसके बाद आपको लाइनर वगैरह अप्लाई कर लेना है और बहुत ही सॉफ्ट वाला मेकअप है ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे काजल अप्लाई कर लिया फेसेस कनाडा का, और इसको मैं अपने अपर लैश लाइन पे भी इस तरीके से काजल को अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने मेबलिन का आईलाइनर यूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक बेसिंग सा विंग आईलाइनर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल मेकअप है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला मेकअप, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हर आउटफिट पर ये ईजिली चला भी जाएगा ये वाला मेकअप। तो आपको बहुत ही पतला वाला आईलाइनर यहाँ पे ड्रॉ करना है। लैश लाइन का मैं यहाँ पे क्लोज एक शार्प सी लाइन को यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पे और अपने ब्राउ बोन को अच्छे से मैंने हाईलाइट कर लिया है। हाईलाइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके मेकअप में जान डालता है। उसके बाद मैं अपने लोअर लैश लाइन पे ब्लैक आई शेडो की मदद से स्मज कर रही हूँ, क्योंकि उनका जो लोअर लैश लाइन का जो काजल था वो काफ़ी थोड़ा सा थिक था। उसके बाद यहाँ पे मैंने मस्कारा यूज़ किया हुआ है, फेसेस कनाडा का ये मस्कारा है। इसको मैं अपर लैश लाइन पे लोअर लैश में मस्कारे के अच्छे से कोटिंग कर दूँगी। मस्कारा अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मैं अपने ऑफ कैमरा फॉल्स आईलैश अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिन लोगों को मेकअप पसंद है। तो मैं आपसे मिलती हूँ इस तरीके से अलग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।